खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। आपको बता दें कि कल शाम 7:15 पर जो है प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे और कल राष्ट्रपति से मिलकर के सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया था। बता दें कि कल संसदीय दल की बैठक हुई थी जहां सभी सांसदों ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद से उसके बाद राष्ट्रपति के पास गए पीएम मोदी नरेंद्र मोदी। उसके बाद तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही और मीठा खिलाकर उनका स्वागत भी किया और उनको बधाई भी दी क्योंकि ये रीति भी होती है और इस तरह से उनको एक भेंट भी दिया गया। तो ये कल शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। राष्ट्रपति ने मीठा दही खिलाकर जैसे रहा है उस तरह बधाई भी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जहां पर कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और एक और बड़ी खबर सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है जो बताते चले जहां पर जेपी नड्डा के घर पर कल एनडीए की बड़ी बैठक हुई जिसमें एनडीए नेताओं के साथ जेपी नड्डा के साथ अलग अलग बैठकें की गई। तो राजनाथ सिंह और अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश चिराग पासवान के साथ ये बैठक और जयंत चौधरी ने भी अमित शाह और नड्डा से मुलाकात की। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जेपी नड्डा के घर एनडीए की बड़ी बैठक हुई और हलचल तेज होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि एनडीए नेताओं की जेपी नड्डा के साथ अलग अलग बैठक हुई जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठक में मौजूद रहे, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चिराग पासवान के साथ भी जो है बैठक जेपी नड्डा ने की। जयंत चौधरी ने भी अमित शाह और नड्डा से मुलाकात की, कई विषयों पर चर्चा विमर्श भी किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है देखने को मिली। आपको बता दें कि हलचल तेज होती हुई कल नजर आई और एनडीए नेताओं की जेपी नड्डा के साथ जो है अलग अलग बैठक देखने को मिली। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां एनडीए नेताओं के साथ इस वजह से क्योंकि इस बार टीडीपी 16 सीटों के साथ, जेडीयू 12 सीटों के साथ, शिवसेना की सिंधे गुट 7 सीटों के साथ, एलजीपी की अगर बात करें यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 5 सीटों के साथ, और आरएलडी जयंत चौधरी 2 सीटों के साथ इस बार एनडीए में गठबंधन बनाए हुए हैं। अलग अलग ये मुलाकात, ये बहुत अहम मुलाकात है क्योंकि संसदीय दल के नेता के बाद अब मंत्रालय को बंटवारा भी किया जाएगा। इसको लेकर भरसक इस पे चर्चा की गई होगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस की आज 2 बड़ी बैठक होनी है। सुबह 11 बजे सीडब्ल्यूसी की यह बैठक होगी, चुनावी नतीजों की समीक्षा होगी। और चुनावी नतीजों की समीक्षा के साथ ही कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक आज शाम 5 बजे आयोजित की गई है जिसमें सोनिया गांधी संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी जा सकती है। ये बड़ी खबर इसमें है क्योंकि आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें होनी है। चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी, उसके बाद संसदीय दल की बैठक भी शाम 5 बजे होगी जिसमें सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है, का अध्यक्ष चुना जा सकता है। तो एक तरफ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद समीक्षा बैठक की जाएगी चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं क्योंकि इस बार 99 सीट कांग्रेस लेकर आई है 2019 के परिवेश में जहां वोटिंग परसेंट भी कांग्रेस का बड़ा है। इस बार सीटों में भी बढ़ोतरी की गई है और विपक्ष में भी जहां इंडी गठबंधन भी मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है यानी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सीडब्ल्यूसी में इस पे भी चर्चा होगी। इसके शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि विधायकों के साथ संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें आज भरसक संसदीय दल का अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी को चुना जा सकता है। इस वक्त दिल्ली की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें होनी है। और वहीं आज उदयपुर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर का दौरा रहने वाला है जहां पर वो महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल का आज उदयपुर दौरा रहने वाला है, महाराणा प्रताप जयंती समारोह में जो है सीएम आज शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। उदयपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे और बीजेपी के कई अन्य नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जयंती समारोह में सीएम जो है वो शामिल होंगे। तो उदयपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें। पहले तो महाराणा प्रताप जयंती समारोह जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और
बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो भी मौजूद रहेंगे, जिनसे सीएम मदन लाल आज मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, आज उदयपुर का दौरा जो है सीएम मदन लाल का काफी खास हो जाता है, क्योंकि कई जो नेता है उनसे भी मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है कई विषयों पर चर्चा विमर्श भी किया जाएगा। बताते चले कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था, और इसी वजह से हर साल पूरे देश में 9 मई को बता दें कि 9 जून को इसको महाराणा प्रताप जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और महाराणा प्रताप की जयंती आपको भी बता दें कि साल में 2 बार मनाई जाती है, और इसीलिए महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में आज शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। और अब बड़ी खबर आपको अजमेर से बताते चले, जहां अजमेर के नसीराबाद से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नसीराबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो सदर बाजार में प्रतिमा को खंडित किया गया है। जैसे ही सूचना मिली तो सिटी पुलिस थाना भी मौके पर पहुंची। लोगों की जो है जानकारी मिलते ही एकत्रित भीड़ भी हो गई। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है वो की गई, और सूचना मिलते ही सिटी पुलिस थाना वहां पर पहुंची और एकत्रित लोग हो गए। वहां पर भीड़ भी देखने को मिली। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। सदर बाजार में जो प्रतिमा है उसको खंडित किया गया, और जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों ने जानकारी दी, भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने वहां पर समझाइश भी की, बातचीत भी की और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। तो अजमेर के नसीराबाद से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सौहार्द बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की गई। तो हनुमान जी की प्रतिमा आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, जिसमें यही वो प्रतिमा है, यही वो मूर्ति है, ये हनुमान जी की मूर्ति है जिसको तोड़ा गया। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है नसीराबाद में, क्या जानकारी और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देर रात को ये घटना घटी है। आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन था, और इस दिन जो है सुबह सुबह दर्शन के लिए कई लोग जो है वहां पहुंचे थे, और इसी दौरान उनको मालूम चला कि मंदिर में जो है हनुमान जी की मूर्ति जो है छिद्रित कर दी गई है और उसको तोड़ दिया गया है। इस मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्र के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस के साथ साथ अब वहां एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये कृत्य जो इतना घिनौना है क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है, उसको तोड़ा गया है। तो इस मामले में कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और इस मामले में किसने ये कृत्य किया है इसकी जानकारी जुटाने के साथ इस मामले में कार्रवाई में जुटी है। जल्द से जल्द इस कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर पुलिस की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है, शांति व्यवस्था कायम हो इस मामले को लेकर शांति की अपील भी जो है पुलिस की ओर से की गई है और प्रशासन की ओर से की गई, और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो यह क्षेत्रवासी की मांग है। जी बिल्कुल अशोक, और तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं अशोक, वहां पर भीड़ भी एकत्रित हो गई थी, पुलिस पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की गई, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह वहां पर लगा था जिससे कोई जानकारी मिल पाई हो? जी बिल्कुल, पुलिस जो है आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी चूंकि मामला संवेदनशील है, मूर्ति जुड़ा हुआ मामला है, मूर्ति को तोड़ा गया है और मुख्य चौराहे पर स्थित ये मूर्ति है जहां लगातार जो लोग हैं वो हनुमान जी का दर्शन करते थे, और आज सुबह जब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो लोगों को मूर्ति टूटी हुई मिली। तो इस मामले को लेकर लगातार लोगों की भीड़ वहां जमा हो रही है, ऐसे में पुलिस पहले कार्रवाई में जुटी है। पूरे मामले पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर टोंक जिले के निवाई इंडस्ट्री एरिया से है, जहां अशोका ऑयल इंडस्ट्रीज पर फूड सेफ्टी टीम ने छापेमारी की है। फूड सेफ्टी टीम ने छापे के दौरान सोनागिरी ब्रांड का 1573 किलो तेल सीज भी किया है, वहीं श्याम ब्रांड का 380 लीटर तेल सीज किया गया है। तो सोनागिरी ब्रांड कच्ची घानी सरसों तेल और श्याम ब्रांड कच्ची घाड़ी सरसों तेल के सैंपल जो है वो जांच के लिए भेज दिए गए। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, श्री बालाजी इंडस्ट्री से मूंगफली तेल वीर हनुमान ब्रांड का सैंपल भी जो है जांच के दायरे में लिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने इन कंपनियों के तेल में मिलावट पाई है। तो लगातार मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब सोनागिरी ब्रांड पर या फिर श्याम ब्रांड की बात करें, तमाम जगह पर चाहे वो मूंगफली का तेल हो, तेल के सैंपल्स लिए गए हैं। बालाजी इंडस्ट्रीज के मूंगफली के तेल का सैंपल लिया गया और अब इसको जांच के लिए भेजे भी गए हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके तहत आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार देखिए मिलावट खोरों पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अशोका ऑयल इंडस्ट्रीज पर जो है वो छापेमारी देखने को मिली है। फूड सेफ्टी टीम ने ऑयल सीज किया है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दो तस्वीर देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑयल मिला उसके बाद से इसको सीज कर दिया गया। मिलावटखोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार तस्वीरें भी देखने को मिल रही है कि जो है मिलावटखोरी का मामला सामने आया है और इस पर बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। टोंक के निवाई से ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। फूड सेफ्टी टीम ने ऑयल सीज किया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सोनागिरी ब्रांड का 1573 किलो जो तेल है उसको सीज किया गया है। श्याम ब्रांड का 380 लीटर तेल जो है वो सीज किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तेल की जो टैंकर छोटे छोटे बने हुए हैं उसको कैसे यहां पर रखा गया है और ये बड़ा एक्शन अशोका ऑयल इंडस्ट्रीज पर जो देखने को मिला, यहां पर छापेमारी हुई है। और अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सभी मंत्रियों के साथ आज बड़ी बैठक लेंगे और ये जो बड़ी बैठक है वो लोकभवन में सुबह 11 बजे बताई जा रही है। तो देखिए चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है। बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं जहां पर लखनऊ में सीएम योगी की मंत्रियों के साथ आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब लोकभवन में यह बैठक शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए चुनाव की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी का खराब प्रदर्शन यूपी में देखने को मिला है और अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है कई मुद्दों पर चर्चा विमर्श किया जाएगा कि आखिर कहां पर चूक रह गई कि जो 80 सीटें यूपी में वहां पर देखिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 33 सीटें बीजेपी लेकर आई है। पिछली बार 2019 की बात करें तो 63 सीटों पर बीजेपी आई थी अकेले, इस बार 33 सीटें लेकर आई है। वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो 37 सीटें इस बार बसपा के सपा के समाजवादी पार्टी के खाते में गई है 33 सीटों पर और 16 मंत्रियों को योगी के 16 मंत्रियों को इस बार हार का सामना करना पड़ा। उसी बात कर लेकर समीक्षा बैठक होगी। और 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा एसीबी ने रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रैप किया है। अट्रू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह जो है वो गिरफ्तार किए गए। दलाल बिट्टू शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट मामले के केस को लेकर 10,000 रुपए लिए गए थे। कोटा एसीबी एएसपी मुकुल शर्मा ने के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं 12 से जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर मारपीट मामले के केस को लेकर के 10,000 रुपए हेड कांस्टेबल और दलाल ने लिए थे और उनको ट्रैप कर लिया गया। कोटा एसीबी एसपी मुकुल शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है और कोटा एसीबी ने रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और दलाल को जो है वो ट्रैप किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको 12 से दे रहे हैं जहां पर हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रैप किया गया। अट्रू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो अट्रू थाने में ये जो कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है हेड कांस्टेबल था और नाम इनका जितेंद्र सिंह है। दलाल बिट्टू शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है मारपीट मामले के केस में जहां पर 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। अब कोटा एसीबी एएसपी मुकुल शर्मा के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हेड कांस्टेबल और दलाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे दोनों भाइयों को अंदर कर लिया था। अच्छा, पहले मेरे दोनों भाई मुकदमा दर्ज करने गए, लड़ाई वो भी थी मुकेश नाई से। एक महीने बाद धारा 326 लगा के दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया। अच्छा, जेल में डालने के बाद मैं थाने में ले गए बड़े भाई साहब सुरेश जी को। तो मैं गया तो मेरे से बोले कौशल को बुलाओ। तो मेरे से कौशल भी बुलवा लिया, मेरे से खुल्लाड़ी मंगवा ली, लट्ठ मंगवा लिया, फिर कागज 3-4 दिन तक पड़े रखेंगे यहीं, फिर पेश करेंगे। तो मैंने कहा भाई पेश तो कर दो, तो इन्होंने कहा 20,000 रुपये दो। और अब फटाफट।